हरे राम 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 हरे हरि 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 हमारी विनोद गाड़ी गाड़ी विनोद हाँ उनको फोन कर देना तो इनको एक दिन पहले ना कोई तो तिथि में तो फोन कर देना वो सब के सब आएंगे जैसे पर अभी इसमें सब आएंगे इनको बोल देंगे फिर प्रभुपाद का तिथि मनाएंगे प्रभुपाद ठीक है ना। मैं सोचता हूँ मैं दोपहर में उधर हम ये करके ना मैं सीधा इधर आ जाऊँगा इधर आ जाएगा यहाँ प्रोग्राम करके फिर मेरे से 3 बजे फ्लाइट मुझे लगता है तो 3 घंटे 2.5 घंटे तो ओम अज्ञानति मिराम धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः गुरवे गौरचंद्राय राधिकायैस्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वृंदाय तुलसीदेवै प्रियाय केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रददेवी सत्यवत्यै नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वृंदाय तुलसीदेवै प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। कल कहाँ कथा करते आ नहीं आ रहे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। उधर दिया था ना हाँ हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मेरे गुरु पाद पद्म नितलीला प्रविष्ट विष्णु पादष्टोदर सत श्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज जी के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरु पाद पद्म नितलीला प्रविष्ट विष्णु पादष्टोदर सत श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण पुष्पांजलि उपस्थित वैष्णव वैष्णवी सभी को मैं यथा योग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्णा। गत कल्य हम लोग श्रवण कर रहे थे श्रील प्रभुपाद को प्रश्न करते हैं मनुष्य जीवन का क्या कर्तव्य है। यद्यपि बहुत बहुत सारे कर्तव्य है लेकिन उन कर्तव्य में सर्वश्रेष्ठ क्या कर्तव्य ये प्रश्न कर रहे हैं। गत कल्य हम लोगों की बहुत बहुत कुछ कथा हम लोगों ने सुने हैं। कहते मनुष्य जीवने अनेक काज पड़ेगे छे प्रभु से जे छी कार्य करता बोले निजे के अभिमान कर छी भगवान रे सेवा वंचित है अपरे रे सेवा ग्रहण कर छी। तो प्रभुपाद ये बता रहे हैं कहते जो मानव जन्म का अनेक काज पड़ गए छे मतलब अभी हम लोग ये मानव जन्म में बहुत बहुत हम लोग काम कर रहे हैं लेकिन जो असली काम है ना वो असली काम तो को तो पीछे रख दिया और जो नकली काम है ना वो सारे नकली काम में हम लग पड़े हैं बहुत सारी काज पड़े गए थे लेकिन जब तक हम एक ही काज को पूरी नहीं करेंगे कदे सारे काम बेकार हो जाएगा। अगर हमने सारे काम को अच्छे तरह से
हैं, कहते अच्छे तरह से सारे काम को बढ़िया बढ़िया से करें, लेकिन अगर जीवन का जो मूल उद्देश्य अगर उसको नहीं करें ना, लास्ट में देखा जाएगा, तरह ना कल गोल आलू है, लास्ट में देखा जाएगा वो सबके सब जीरो ही दिखेगा है। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, राम नाम के अंक है सब साधन के सुना, अंक गए कछु हाथ नहीं अंक रहे दस गुना। इसलिए जैसे एक रख करके सिद्धार्थ में के सुना दो कितना होगा, दस हो जाएगा, और एक सुना दो सौ हो जाएगा, और एक सुना दो हजार। अगर एक रख करके जब एक एक सुना देते हैं वो दस 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 गुण बढ़ रहे हैं, कभी अभी एक हटा दो, कभी सुना दो सुना दो सुनो, जीरो जीरो, जीरो का कोई वैल्यू नहीं। तो एक किया और ये जीरो किया है, कहते जो एक है ये भगवान की भक्ति, कहते जीरो किया है, कहते ये संसार, इस जीरो ये संसार कोई किसका है ही नहीं है, इसलिए कोई किसका संसार में कोई किसका नहीं है। ये एक धर्मशाला का ये परिचय, केवल एक धर्मशाला का परिचय है, है? इसलिए अगर भगवान की भक्ति नहीं किया, ये भगवान संसार का सारे कर्तव्य को हम बढ़िया तरह से किया, बढ़िया घर बनाए, दुकान मकान बनाए, बच्चों को जन्म दिया, लिखाई पढ़ाई कराया, शादी शुदा करवाया, सारा दुनिया के सारे कर्तव्य को हमने अच्छे तरह से पालन किया, लेकिन भगवान की तुमने भजन नहीं किया, भक्ति नहीं किया, बस लास्ट में गोल जीरो है लास्ट में। बोले कि राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, सत्य बल गत्य है, सब कोई बात झूठा है। इसलिए जो जीवन का जो मूल उद्देश्य है, हैं, वो जीवन का मूल उद्देश्य को लक्ष्य करना पड़ेगा। बताओ हनुमान जी क्या किया है, भगवान को भजन तो किया ना, ध्रुव प्रहलाद ने क्या किया, भगवान भजन किया है ना, मीरा ने किया कि भगवान की भक्ति तो किया, जगत का कौन सा कर्तव्य को उनने किया कर दिया है, हैं? इसलिए गुरु जी कहते थे जब कोई व्यक्ति सब कुछ छोड़ करके भगवान की भजन के लिए आ जाएंगे, पीछे उनका जितना कर्तव्य रह जाएगा, भगवान 36 करोड़ कर्मकांडी ब्राह्मण को भगवान पीछे नियुक्त करके रखा। जो व्यक्ति सब छोड़ करके मेरे भजन के लिए आएगा, उसका जितने पीछे कर्तव्य तुम्हारी करना है, सारे पीछे कर्तव्य तुम लोगों को करना, हमारी भक्तों को कुछ भी करने का जरूरत नहीं, भक्त केवल मेरे भजन करे, मेरी भक्ति करे, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, अहम त्वाम सर्व पापे मोक्षयिष्यामि मा शुच। इसलिए भक्तों का केवल एक ही कर्तव्य है, केवल भगवान की भक्ति कर ले, भक्ति करे तो उसका पूरी, भक्ति नहीं करके अगर सारी कर्तव्य जगत का करे तो कहते सबई पुंसाम परो धर्म जत भक्ति रधक सजे। हाँ, बई मतलब यहाँ जो बई शब्द है संस्कृत में निश्चिंत रूप में प्रयोजन होता है, जिस बात को दृढ़ करना हो ना ये बई शब्द आता है, हैं? इसलिए सबई पुंसा पुरुष का सर्वश्रेष्ठ कर्तव्य है क्या, जत भक्ति रधक सजे, अधक सज भगवान की भक्ति करना ही जीव का ये सर्वश्रेष्ठ कर्तव्य है, ये जीव का सर्वश्रेष्ठ कर्तव्य। केवल एक कर्तव्य को हम जीवन में पूरी कर ले, केवल एक कर्तव्य को हम जीवन में पूरी कर ले, जीवन में सारी कर्तव्य तुम्हारी पूरी हो जाएगी। अगर ये कर्तव्य पूरी नहीं हुई, फिर तो कोई कर्तव्य, जितने कर्तव्य पूरी कर लो लास्ट में सब जीरो, गोल आलू मिलेगा। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं मनुष्य जीवन अनेक आज पड़ गए छे, मतलब तुम जो असली काम था वो काम तो तुमने छोड़ दिए, और बहुत सारे काम तुम्हारा पड़े, बहुत सारे काम तुम्हारा आ गया है, बहुत सारे काम पड़ गए छे। प्रभु सजे छी कार्यर करता बोले निजे का अभिमान कर छी, क्या कार्य करता हम, करने वाले हम प्रभु है, करने वाले हम है, करने वाले हम है, भगवान सेवा वंचित है अपर सेवा ग्रहण कर ची, क्या कर रहे हैं, भगवान के सेवा को तो हमने छोड़ दिया है, भगवान को छोड़ करके हम क्या कर रहे हैं, दूसरे के सेवा को हम अपना जीवन में ग्रहण कर रहे हैं। करनी चाहिए ठाकुर का सेवा,
वो सेवा को नहीं करके हम दूसरा का सेवा को ग्रहण कर रहे हैं। बोले विभिन्न वस्तुर पार्थी है, विभिन्न देवा देवी सेवा कर ची। अभी संसार में आ करके हम क्या कर रहे हैं, तरह तरह का हमारी मन के अंदर में कामना वासना है, हैं तरह तरह का कामना वासना भी जीवन में आ गया। आकर क्या कर रहे हैं कि दूसरे दूसरे देवा देवियों की सेवा में हमने लग गए। अर्थ पाने के लिए लक्ष्मी को पीछे लग जाते हैं, विद्या पाने के लिए सरस्वती को पीछे, रिद्धि सिद्धि पाने के लिए गणेश को पीछे, सुंदरी भारजिया मिले गंधर्वियों को उपासना करने लग जाते हैं, बढ़िया भोजन मिले इसलिए अदिति माता की सेवा में लग जाते हैं। अलग अलग वस्तुओं को पाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, अलग अलग देवा देवियों को हमने पीछे पड़ गए, स्वयं कर्ता बन गए, स्वयं कर्ता बन गए। धर्मेर जन्य सूर्येर, अर्थर जन्य गणेशेर, काम्यर जन्य शक्तिर, मुक्षर जन्य शिवेर उपासना कर छी। यहाँ कह रहे धर्म के लिए सूर्य को उपासना करता है, अर्थ के लिए गणेश जी की उपासना करता है, और तरह तरह का कामना वासनाओं के लिए शक्ति की उपासना करते हैं, और मोक्ष के लिए शंकर जी की उपासना कर छी। यह वस्तु तो पूजा न है, पूज्य के आमार वस्तु सर सरबराह करबार सेवकई करे जी। जैसे उसको हम बोलते ना पूजा कर रहे, प्रभु बात कहते पूजा नहीं, हाँ सेवक इनको हम लोग ने क्या किया, इनको अपना सेवक बना दिया, हमने इनकी पूजा नहीं कर रहे हैं, कहते उनको अपना सेवक बना दिया। शंकर जी आपको पूजा इसलिए कर रहे हैं, आप आकर के हमारी ये इच्छा पूरा कर दो। गणेश जी आप आकर के हमारी ये इच्छा पूजा कर दो। सरस्वती आकर के हमारी ये इच्छा पूरा कर दो। मतलब आप उनकी सेवा नहीं कर रहे, उनको उल्टा अपना काम में लगा दिया, अपना सेवा में उनको हमने लगा दिया। सेवा बोल सेवा बोले काके ता जाना दरकार। कहते सेवा किसको कहते हैं, इसी विषय को जानने का जरूरत है। सेवा कहते किसको, शुद्ध सेव्य आनंद विधान रही नाम है सेवा। सेवा कहते हैं जो सेव्य वस्तु जो भगवान है, हम उनको कैसे खुश करें, उनको कैसे हम संतुष्ट करें, इसको कहते हैं सेवा। हाँ इसको कहते हैं सेवा। श्री हरि सकल रे मूल अमरा सकले सकले सही हरि रही सेवक तार सेवाई अमादरे धर्म कार्य व कर्तव्य। इसलिए जो भगवान कृष्ण हैं कौन है, हैं मूल अमरा सकले सही हरि सेवक, हम लोग भगवान का ही सेवक है, भगवान का ही सेवक है। इसलिए कहते यही हमारी जीवन का धर्म कर्तव्य और यही कार्य, हम भगवान को कैसे प्रसन्न करें। इसलिए कहते अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्य अनावृतम अनुकूलन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुतम। उत्तमा भक्ति उसको कहते हैं अनुकूलन कृष्णानुशीलनम, कैसे भगवान को हम प्रसन्न करेंगे दूसरे दूसरे अभिलाष को छोड़ करके। कहते यही ही जीव का परम धर्म है। कतार सेवा कर ले सकल री सेवा हुई था कि हैं, जब हम भगवान की सेवा कर लेते हैं, भगवान को संतुष्ट कर लेते हैं, सबका सेवा अपने आप हो जाता है। इसलिए यहाँ पर श्लोक को उद्धृत किया है, यथा तरोर हाँ। इसलिए जब यहाँ पर बताया जैसे वृक्ष का जड़ में जैसे पानी देने से क्या होता है, पूरा पेड़ हरा भरा रहेगा। जैसे मुंह में खाने देने पर, तो वहाँ पर एक उदाहरण दिया है, जैसे वृक्ष का जड़ में पानी देने पर पूरा पेड़ हरा भरा रहता है। तो कोई कोई प्रश्न करता है, माली जब पेड़ का जड़ में पानी देता है ना, देखना कुछ कुछ पानी थोड़ी थोड़ी ऊपर भी सिंचन करता है, जड़ में भी पानी देता है और उसको पत्ते में भी थोड़ी थोड़ी सिंचन करता है। तो इसका मतलब ये कह रहे हैं हम भगवान को भी भक्ति करें, ठीक है कोई बात नहीं, भगवान को भी भक्ति करें और दुनियादारी का भी थोड़ी थोड़ी दूर कर ले,
जड़ में भी पानी दे दे, भगवान की भक्ति करे, जैसे उसको ऊपर पत्ते में फल में कुछ पानी सिंचाई करता है ना, इसलिए उसको साथ साथ में और इधर उधर भी थोड़ा कर ले। फिर उन्हें बोले, फिर दूसरा उदाहरण दिया, बोले प्राण उपहाराश्च जतेन्द्रियाणा। वो उदाहरण दे करके फिर दूसरा उदाहरण देते हैं, प्राण में आहार देने पर, जैसे मुंह में आहार देने पर आपका अंग का किसी अंग में पानी देने आहार देने का जरूरत नहीं। आँख में थोड़ी कोई दाल डालते हैं, कान में थोड़ा रोटी देते हैं, हाथ में रोटी थोड़ी चावल दे थोड़ी है, कहीं से मुंह में आहार देने से क्या हो जाता है, पूरा सारे इंद्रियां तृप्ति हो जाती हैं। कहते तो उसी तरह जब हम भगवान को भक्ति कर लेते हैं क्या हो जाता है, सबके सब हैं सारे इंद्रियां तृप्ति हो जाती हैं। इसलिए गुरुदेव एक उदाहरण देते थे, गुरुदेव कहते एक गाँव में दो व्यक्ति रहते थे, एक व्यक्ति धनी और एक गरीब। अभी ये दोनों हमारे भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज के पास में कथा सुनने आते थे। जब आते थे अभी कथा सुनते 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 अभी जो गरीब व्यक्ति था ना, हैं कथा सुनते 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 इसके अंदर भावना आई, सचमुच से ये जीवन दुर्लभ है और सब कुछ छोड़ करके गुरु जी मेरे चरण में रह करके संपूर्ण सेवा गुरु जी ठाकुर जी करना ही जीव का यही कर्तव्य है। उसको समझ में ये चीज आ गई कथा सुनते सुनते। लेकिन वो जो बड़े व्यक्ति वो भी कथा सुनने के लिए आता है, लेकिन धनी व्यक्ति, लेकिन उससे उन्होंने 500 रुपया उन्होंने उधार लिया था, 500 रुपया उदाहरण दिया था उधार। उस समय ये 500 रुपया की बड़ा कीमत था, 500 रुपया की बहुत कीमत था। अभी उसने सोचा इच्छा तो हो रहा है गुरु जी के चरण में आकर सेवा करे, लेकिन उसका जिंदगी भर भी कोशिश करूँ ना 500 रुपया चुकाने के लिए। उस समय 500 रुपया की इतना कीमत था, उसका ऋणी कभी मैं चुका नहीं सकता हूँ। इसका मतलब हम तो गुरु जी की शरण में नहीं आ सकते। इच्छा कर रहा था मंदिर में आकर के संपूर्ण रूप में तन मन हर तरह से गुरु जी की ठाकुर का सेवा करे। एक दिन उसने गुरु जी से जाकर के ये बात बताई, बोले गुरु जी आपकी हरिकथा जब हम सुनते हैं हमारे मन में ये इच्छा होता है हम सब कुछ छोड़ करके आपका शरण में आकर के भजन कर क्यों। आप बारम्बार बताते त्रुणम जतेत न पतेत अनुमृत जावत है, ये जो काल है चोटी पकड़ कर रखा है, है? इसलिए जितना जल्दी हो भगवान की भजन में लग जानी चाहिए, ये जीवन का कोई ठीक नहीं। इसलिए बोले आ जाओ तुम फिर मंदिर में आ जाओ। बोले गुरु जी आपका जो दूसरा चेला है ना उससे मैंने 500 रुपया लिया है, अगर जिंदगी भर कोशिश करूँ तो हम कभी ये 500 रुपया चुका ही नहीं सकता हूँ। अभी गुरु जी फिर तो मैं क्या करूँ। बोले बेटा कोई चिंता मत करो, वो भी मेरा शिष्य है, उसको मैं जो बोलूँगा वो सुनेगा, इसलिए मेरे शिष्य है, तुम मंदिर में आ जा मैं इसको बोल दूँगा। वो शिष्य आया शाम को तो भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज बोले, बोले हमको व्यक्ति तुमसे 500 रुपया ऋणी लिया है। बोले हाँ गुरु जी। बोले उसकी इच्छा हो रही है मंदिर में आकर के भजन करे, आप भक्ति करे, पूरा जीवन हाँ ब्रह्मचर्य जीवन बिताए, क्या तुम उसको छोड़ दोगे। बोले गुरु जी 500 रुपया की क्या है, 500,000 रुपया भी लेता तो अगर आपका शरण में आकर के आपकी अगर सेवा करना चाहते, इससे मेरे मन में तो ये भावना आई नहीं, जो कि आपकी चरण में संपूर्ण आकर भजन करे उसकी भावना आई है। इसलिए गुरुदेव हम तुम्हें तो बहुत खुश होऊंगा, कम से कम अगर 500 रुपया लेकर के लिया है आकर के आपकी चरण में सेवा करेगा, कम से कम हमारे ऊपर में ठाकुर का तो आशीर्वाद मिलेगा, मैं तो पूरा भजन नहीं कर पाए। तो गुरु जी इसको उदाहरण देकर समझाया करते थे, कहते उसी तरह जब कोई व्यक्ति सब छोड़ करके जब भगवान की शरण में आ जाते हैं, हम लोग जगत में 5 ऋणी में हम आबद है, देवता ऋणी में, ऋषि ऋणी है, हैं देवर्षि, जीव ऋणी है, पिता माता का ऋणी है, हैं इसलिए राज ऋणी है। कहते ये ऋणी 5 तरह का ऋणी में हम आबद है, लेकिन जब कोई संपूर्ण रूप में भगवान की शरण में आ जाते हैं, कहते हैं सारे ऋणी अपने आप मुक्त हो जाते हैं। कहते पिता माता की इतना ऋणी है, जीवन भर सेवा करते हुए भी ये पिता माता का ऋणी कोई नहीं उतार सकता है, कोई नहीं उतार सकता है। फिर इतना जो ऋणी रह गया फिर कैसे उतारोगे, कितना कैसे कैसे उतारोगे, हैं उतारोगे कैसे। लेकिन कहते हैं जब भगवान की शरण में कोई आ जाए
हाँ सर्वात्मना जो शरणम शरणम गतम मुकुंदम परिहर्त कर्तव्यम, भगवान की शरण में आने पर सबका ऋणी से मुक्त हो जाते हैं। ऋणी से तो मुक्त हो जाते हैं लेकिन कुलम पवित्रम त्रिसप्त भी पिता पुत, उनका 3-7 मतलब 21 पीढ़ी उसकी उद्धार हो जाते हैं। वृंदावन दास ठाकुर तो कहते हैं त्रिकोटि कुल हाय श्री वैकुंठ वास। जब विश्वरूप प्रभु संन्यास लेकर गए, विश्वरूप जब संन्यास लेकर गए उस समय सब लोग दुखी थे, उस समय जगन्नाथ सची माँ भी दुखी थे, सब लोग उनको समझा रहे हैं। कहते एक पुरुष जिस वंश में एक बेटा संन्यास ग्रहण करता है उनको 3 करोड़ वंश उसको उधार हो जाते हैं, दुखी क्यों कर रहे हो हाँ? ये तो सौभाग्य की बात है, तुम्हारी वंश में एक बेटा भगवान की भजन में लगा, भजन में लगा। देखो हम संसार का कर्तव्य कर्तव्य है उसको कभी कभी श्रेष्ठ मानते हैं। देखो गुरुदेव एक समय क्या बोल रहे थे, कहते महाप्रभु जिस समय संन्यास लिया, देखो क्या 30 अवस्था में संन्यास लिया महाप्रभु क्या शिक्षा दिया। पहले बड़ा भाई संन्यास ले चुके थे, विश्वरूप संन्यास ले चुके थे, उसके बाद में जगन्नाथ मिश्र शरीर छोड़ चुके थे। महाप्रभु अभी शादी किए, घर में अभी नई बहू है, घर में विष्णुप्रिया अभी अभी शादी की है, अभी एकदम नई शादी की है, घर में एक बूढ़ी मैया है, घर में एक बूढ़ी मैया, कोई घर में और है ही नहीं। जो कि हमारी जो पहले संस्कृति था, माताएं तो बाहर से जाती नहीं, स्त्रियां तो बाहर जाती नहीं कमाने के लिए, वो तो घर में रहती थी, घर में रहती थी। घर में कौन है, विष्णुप्रिया है, 16-17 साल की विष्णुप्रिया होगी, और घर में एकदम बूढ़ी माँ, घर में सच्ची बूढ़ी माँ, और कोई है ही नहीं घर में। इसी अवस्था में महाप्रभु छोड़ करके उन्होंने संन्यास ग्रहण किया। तो महाप्रभु यहाँ पर शिक्षा क्या देते हैं, 26 साल उम्र में उन्होंने संन्यास ग्रहण किया। गुरुदेव कह रहे थे महाप्रभु क्या शिक्षा देते हैं, बोले महाप्रभु ये शिक्षा देते हैं जगत में यद्यपि हमारे बहुत सारे कर्तव्य है, बहुत सारे कर्तव्य है, लेकिन जीवन का जो सर्वश्रेष्ठ कर्तव्य है भगवान की भक्ति, भगवान की भजन, इससे बड़ा कर्तव्य जगत में कुछ नहीं। इसी उम्र में छोड़ करके महाप्रभु संन्यास लेकर के महाप्रभु जाते हैं। तो महाप्रभु को अद्वैताचार्य पूछा शांतिपुर में, बोले प्रभु आपको ये घर छोड़ने का क्या जरूरत था, घर छोड़ने का क्या जरूरत था, घर में क्या भजन नहीं कर सकते थे, आपकी सच्ची माँ जैसे माँ है, विष्णुप्रिया जैसे स्त्री, आप सवेरे उठते ही माताएं पहले क्या करती थी, पुरुष लोग उठने से पहले चारों तरफ में झाड़ू दे करके साफ सुथरा करके गोबर का पानी की छिड़काव देकर, गांव में क्यों होता था, छिड़काव दे करके पूरा साफ सुथरा माताएं कर देती थी है। फिर माँ बोले जब आप स्नान करके आते हैं, स्नान करके आने से पहले विष्णुप्रिया ठाकुर के लिए चंदन घिस करके लोटे में पानी, पूजा की सारे फूल ला करके सब कुछ ठाकुर को महाप्रभु सेवा करेंगे वो पूरा सजा करके रेडी कर देती थी। फिर जब आप ठाकुर पूजा कर लेते थे फिर विष्णुप्रिया कर क्या करती थी, ठाकुर जी को भोग लगाएंगे, इसलिए उन्होंने सारे प्रसाद को तैयार करके रख लेती थी। बोले इतने अनुकूल तुम्हारे घर में था हैं, कोई प्रतिकूल था नहीं घर में, सबके सब तुम्हारे अनुकूल थे, फिर ये घर छोड़ने का क्या जरूरत था। अद्वैत आचार्य प्रश्न कर रहे महाप्रभु को, क्या घर में भजन नहीं कर सकते थे। तो महाप्रभु कहते देखो जो संपूर्ण रूप में जो भगवत चरण जो शरणागति है, जब तक ये घर कोई नहीं छोड़ता है, जिसको महाप्रभु कृष्ण कहते ना सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्य मुक्षयिष्यामि माम शुचः। कद संपूर्ण रूप में जो सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज, वो केवल संसार त्याग से ही हो सकता है, नहीं तो नहीं होना कठिन है। महापुरुष जैसे दिन रात हा कृष्ण बोल करके पछाड़ खा कर गिर रहे हैं, कृष्ण बोल करके दिन रात रो रहे हैं हाँ, एकदम कृष्ण चिंता में डूबी, एक गृहस्थ व्यक्ति कर सकता है। जब शादी हो जाता है आधा एनर्जी को देना पड़ेगा,
आधा एनआरआई देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? जो एक बच्चे हो जाए थोड़ी बहुत तो तुम्हारी जो एनआरजी कहाँ देना पड़ेगा, बच्चों को देना पड़ेगा। अरे बताओ तुम्हारे पास में क्या रह गया, तो भगवान को दोगे, क्या रह गया तुम्हारे पास में? और सवेर से उठते ही घर में नमक है कि नहीं, हल्दी है कि नहीं, चीनी है कि नहीं, सब्जी है कि नहीं, दिमाग में वही घूमे, वही तो घूमेगा ना। और दिन भर पैसा कैसे कमाएंगे, परिवार को कैसे मेंटेन करेंगे, संसार को कैसे मेंटेन करेंगे, दिन भर यही चिंता में गया। रात को पत्नी को पास में सोए, पत्नी को पास में सोए रात भर, फिर भगवान को फिर तुम दिया किया, ठाकुर को तुमने किया दिया फिर भगवान को? तुम्हारे पास में है क्या चीज ठाकुर को देने के लिए? दुनिया की सेवा तो करते 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 उसमें गया। इसलिए महाप्रभु कहते अद्वैत आचार्य, जब तक तो कोई संन्यास नहीं बनता है वो संपूर्ण रूप में भगवत चरण में अपने आप को दे नहीं सकता है। वो तो ब्रह्मचर्य, उसके बाद में फिर गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी। इसलिए वो धीरे 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 अंतिम समय में कहाँ गया? सन्यासी के पास में। इसलिए यहाँ पर प्रभुपाद जी कह रहे हैं यथा तरोर मूलम निसेचनेन, ये क्या है? हैं, तार सेवा कर ले सकलेरी सेवा होय थाके। जब हम भगवान की सेवा करते हैं वो सबका सेवा हो जाती है। इसलिए उन्होंने कति ये जो श्लोक है यथा तरोर मूलम निसेचनेन कति इसका प्रमाण है। कति वास्तव वस्तु जहा ता ना जानार दरुण जत्तो असुविधार सृष्टि होए छे, बुझते बार से? हाँ, कहते जो वास्तव वस्तु जो है को तो उसको नहीं जानने का वजह से जितने तरह का दिक्कत सृष्टि है संसार में, जितने असुविधा दुख कष्ट का मूल जो कारण है, हम जो असली चीज को अभी हम जीवन में नहीं समझ रहे हैं, असली वस्तु को नहीं समझने का वजह से कहते संसार का जितने दुख कष्ट असुविधा सब के सब है, हैं? इसलिए यही असुविधार हाथ थे के निष्कृति पावा दरकार। कहते संसार में जितने दिक्कत है कहते ये सारे दिक्कत से निकलने का जरूरत है मनुष्य जन्म में, तहा संभव। कहते केवल ये मानव शरीर जन्म में ही वो संभव है और किसी जीवन में ये संभव नहीं। हमारा एक टू धैर्य अवलंबन पूर्वक यदि साधुर निकट भगवत प्रसंग श्रवण करी ताहले यही जगतेर रूप रस गंध शब्द स्पर्शेर द्वारा हमारा बड़ बड़सी विद्ध मत्स्यर न्याय आकृष्ट हबना। देखो यहाँ प्रभुपाद क्या कह रहे हैं, हमारा एक टू धैर्य अवलंबन पूर्वक यदि साधुर निकट भगवत कथा श्रवण करी, अगर हम थोड़ी सी धैर्य को अवलंबन करते हुए अपना धीरज को धारण करते हुए जब हम साधु को पास में हैं, जब हम भगवत कथा श्रवण करेंगे फिर क्या होगा? ता हैले यह जगतेर जो रूप रस गंध शब्द मत्सर ने आकृष्ट बना। इसलिए यहाँ उदाहरण देते हैं, बड़सी मतलब होता है जो मछली पकड़ता है ना, मछली जो पकड़ता है बंसी होता है, हाँ कांटा, जो कांटा से जो मछली को पकड़ते हैं, हाँ उसमें कुछ खाना लगा देते हैं, लगा करके पानी में फेंक देते हैं और मछली आकर क्या करता है, उसको जब निकल जाता है, हाँ जब निकल जाता है ना बस उसको लग गया मुँह में, हाँ मुँह में लग गया, फिर तो धीरे 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 उसको खींचते 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 बस काट के खा लेता है। इसलिए प्रभुपाद यहाँ कह रहे हैं इसी जगत में हम भी इसी तरह कहीं रस में गंध सस, इसलिए कहते इसमें पांच, इसमें उदाहरण देते हैं, हाँ भागवत उदाहरण दिया, हमारे पांच ज्ञानेन्द्रियाँ हैं और एक एक इंद्रिय में बसीभूत होकर के एक एक जीव प्राण को नाश करते हैं। रूप में कौन है? रूप में कौन? पतंगा है। जब कोई आग जलता है उसको लगता है जैसे कोई खाने का चीज़ है, बस छलांग लगाया तो जल करके खत्म। रूप रस, रस से मछली है, रूप रस, और रूप रस शब्द से
हिरण, हाँ शब्द से हिरण है, बड़े सुलीले सुलीले मीठे मीठे बंसी बजाते हैं और हिरण एकदम शब्द सुन करके मुग्ध हो जाता है। जब मुग्ध हो जाता है ना, कहते हैं एक खम्भा गाड़ देते हैं, वो हिरण उसमें सहारा दे करके खम्भा थोड़ी सी हल्का से गाड़ते हैं, जो उसमें सहारा दे करके वो एकदम शब्द को एकदम सुनने लग जाता है। वो थोड़ी सी गड़ा हुआ झट गिर जाता है और हिरण जब जल्दी गिर जाता है उठ नहीं पाता है। बास बहलिया पास में रहता है, डंडा लाए और मार करके काट कुट के खा लेता है। रूप रस शब्द स्पर्श, स्पर्श में हाथी, हाथी के लिए क्या करते हैं, एक हाथिनी को ट्रेनिंग देते हैं, हाँ? हाथी पुरुष जो हाथी स्त्री हाथी को शरीर में अपना शरीर को रगड़े में उसका अच्छा लगता है, बहुत बड़ा गड्ढा होते हैं उसको घास बिछवा देते हैं और उस स्त्री हाथी को सिखाया हुआ होता है वो जंगल में जाता है, पुरुष हाथी को शरीर में शरीर को रगड़ता है और उसको अच्छा लगता है और उसको धीरे 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 ले आता है और उसको पता गड्ढा कहाँ पर खोदा हुआ है। वो स्त्री हाथी उस तरह उधर नहीं जाती, वो पुरुष हाथी को ले जाती उधर, बास गड्ढे का तरफ में जो पास में आ जाए ना धक्का मार कर गिरा देती, फिर तो 10-15 दिन तक तो खाना नहीं देंगे और उस स्त्री हाथी से लोहे की जंजरी से उसको फिर बांध करके फिर निकालेंगे, फिर तो कोड़े मार मार करके उसको सर्कस में लगाएंगे, उसको सर्कस में लगाएंगे, हैं? नहीं तो हाथी को करना थोड़ी की साधारण बात है। इसलिए कहते उसी तरह ये जीव भी ये संसार का रूप को देख करके आकृष्ट हो जाता है, हैं? रूप को देख कर आकृष्ट हो जाता है और धीरे 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 ये जीव को भी संसार की माया में फंस जाता है। इसलिए रूप रस गंध शब्द, गंध गंध में कौन है, भौरा, कहते जो भौरा काट को भी छेद कर सकता है वो कमल फूल को भी छेद नहीं कर सकता, वो जा करके मधु पना शुरू कर देता, दिन में शाम होते ही कमल फूल बंद हो जाता है, बस उसको अंदर में पन को त्याग दे देता है। इसलिए कहते हैं यहाँ पर कहते अमरा बंसी विद्ध मत्स्य नाय आकृष्ट हबना, हाँ जैसे मछली उसको जब निगलता है फंस जाता है, कहते ऐसे हम सया संसार में नहीं फंसेंगे। तखन भगवानेर नित्य आकर्षण आकृष्ट थाकबो, अगर हम माया में नहीं अगर बसीभूत तो होंगे फिर क्या होगा, कहते तखन भगवानेर नित्य आकर्षण आकृष्ट थाकबो, तब हम भगवान के प्रति आकृष्ट हो सकते हैं, नहीं तो क्या होगा फिर माया में हम फंस जाएंगे। इसलिए दुनिया दारिते जरा व्यस्त आछे तारा अध्यक्ष सजरे सेवा बुझते पारे ना, दुनियादारी में जो लोग व्यस्त है, दुनियादारी समझ रहे हो ना, संसार में जो लोग व्यस्त है, संसार में जो लोग व्यस्त है तारा अध्यक्ष सजरे सेवा बुझते पारे ना, वो लोग भगवान की जो सेवा की महिमा को वो नहीं समझते हैं, वो लोग यही समझते हैं हमको तो ये संसार बेटा बेटी नाती पति दुनियादारी बस हमारी यही, इसमें हमारे समय कहाँ है, लोगों को बोलो भजन करने के लिए बोले हमारे समय का बेटा बेटी दुनियादारी करते 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 हमारे समय उसमें ही चला जाता है, भगवान की सेवा के लिए हमारे समय कहाँ है हमारे पास में। किंतु अध्यक्ष जर कथाई आलोचना करा दरकार की करे आलोचना साधु संग प्रभाव, लेकिन यहाँ कह रहे हैं लेकिन हमारी कर्तव्य क्या है, कहते भगवान की कथा साधु संग में, भगवान की कथा आपस में हमें चर्चा करनी चाहिए, साधु गण रे संग करा दरकार, जीवन में साधु संग करने का जरूरत है, बद्ध जीवेर संग क्रमे आमादेर असुविधा उपस्थित होचे, संसार में जितने तरह का असुविधा है इसका मूल कारण क्या है, कहते हम बद्ध संसार में जो बद्ध हुए जो जीव है, हैं उनकी संग प्रभाव से जीव भगवान को भूल जाता है, कहते ना जैसे संग होगा वैसे रंग बदलेगा तुम्हारी, मैंने संग सबसे महत्वपूर्ण है, संग है सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, जैसे संगत में रहेंगे हमारी भावना धीरे 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 हमारी भावना बढ़ते रहेगी, धीरे धीरे हमारी भावना बढ़ती रहेगी, इसलिए हमें कैसे संग, हमसे जो उच्च वैष्णव है उनके संग हमें
करनी चाहिए, जिनकी कथा सुन करके भावना सुन करके हमारी भावना भी धीरे 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 बदले। अगर हमसे अगर नीचे व्यक्ति का संग करके फिर तो बड़ गड़बड़ी, इसलिए ये चीज़ को हमें ध्यान देनी चाहिए। लेकिन मंदिर में जब किसी का कोई मन खराब होता है ना, जानते हो किसको पास में जाता है? हाँ, ये मैया पूरा मटवास करके आई। इसे जब मन खराब होता है उससे जो श्रेष्ठ व्यक्ति जो भजन में उत्साह देगा वो उसको पास में नहीं जाता है, वो जाता है जो फेल बच्चे को पास में है, जो ऑलरेडी जिसका मन खराब है मतलब जो उसको तोड़ देगा उसको पास में जाता है। बोले हाँ सब ऐसे ही है, हैं हमको ने ऐसे किया, उसने ऐसे किया, उसने सब, वो भी बहुत सारे उदाहरण देता है, हैं लेकिन वो उदाहरण नहीं देगा जो पहले उत्तीर्ण होकर के भजन में जो सक्सेसफुल है उनका उदाहरण नहीं देगा, वो उदाहरण देगा जो नीचे जो गिरे ना उनका उदाहरण देगा, हाँ वो उदाहरण उसका देगा। इसलिए जब किसका अंदर में सुइसाइड करने की इच्छा होता है ना, मरने की इच्छा होता है, वो भूत आकर के उसका अंदर में प्रेरणा देता है, बोला हाँ सुइसाइड कर दो, मर जाओ, आत्महत्या कर दो। इसलिए एक व्यक्ति ने, उसका मन खराब हो गया, सोचा मैंने फांसी दूंगा, उसने क्या किया फैन में रस्सी लगा दी, जब रस्सी लगा दी अभी जो मर चुके होते हैं वो भी चाहते हैं हमारा दल भी बढ़े, हैं वो भी चाहते हैं हमारा दल बढ़े, इसलिए वो फैन में रस्सी लगा हुआ फैन में अभी वो सोच रहा है मैं उसमें सुइसाइड करूंगा। अभी पहले जो मर चुके हैं वो भूत आकर के उसमें सवार हो गया, वो सोच रहा है मरेगा, लेकिन इतने में उसका परिवार वालों को पता चला इसमें मरने वाला, ये पहले लड़ाई झगड़ा हुई मरने वाला, वो दरवाज़ा उसको जोर जबरदस्ती उसको दरवाज़ा खोलना चाह रहे, खोल नहीं रहता, जब दरवाज़ा खोले वो सुइसाइड करने जा रहा था, देखा जो रस्सी लगाया उसमें वो रस्सी इधर 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 हो रहा है, छटपट छटपट कर रहा है, क्योंकि ऑलरेडी वो भूत आकर के वो रस्सी के ऊपर में सवार बैठे हो गया, उसको बुला रहा है आ जा तू इसमें गला में फांसी लगा ले क्योंकि हमारा दल बढ़ जाएगा। कहते उसी तरह जब हमारी मन खराब होती है भक्ति विषय में, जब मन खराब होती है इसलिए हमारा जो हुआ ना वो भी चाहता है हमारा दल भी बढ़े, हमारी दल भी बढ़े। इसलिए उस समय वो ऐसे व्यक्ति को पास जाता है और उसका कथा को वो सुनता है, सुनता तुम तो स्वयं मरे हुए हो और दूसरे मरे हुए व्यक्ति का संकल्प धीरे धीरे क्या होगा, तुम्हारी भावना भी नीचे घटता है। इसलिए हमें बहुत इस विषय पर बहुत हमें सावधान रहनी चाहिए। हाँ कि इसलिए कहते हैं साधु संघ में क्या करनी चाहिए, हमें भगवत कथाओं को साधु संघ में सुननी चाहिए। साधुगण रे संगा करा दरकार, बद्ध जीव रे संग क्रमे हमारे असुविधा उपचे। जितने असुविधाएं हैं, क्यों ये सारे असुविधा हमारी हो रही है, कारण है बद्ध जीव का संग से, हैं बद्ध जीव का संग से। इसलिए बताए वो श्लोक है, क्या श्लोक है, भगवत भक्ति संग से हैं, कहते भगवत के संग जितने हमारे लिए उपादाय है उससे ज्यादा उपकारी है भगवान के भक्तों का संग, भक्तों का संग में उतना ज्यादा महत्व है भगवत भक्त संग से। इसलिए भगवत भगवान संग से भक्तों का संग उपादाय, कहते उसी तरह जो असंग है, स्त्री संगी का स्त्री संग जितना हानिकारक है उससे उसका जो संगी संग है वो ज्यादा हानिकारक है, क्योंकि कहते ज्यादा हानिकारक है स्त्री संग से जितना पतन उससे ज्यादा पतन है संगी का जो संग, क्योंकि तुम्हारे अंदर में जो प्रेरणा देने वाले वही होते हैं, हैं वो प्रेरणा देने वाले तुमको वही, उनका संगी का जो संग है हाँ असत्संग का जो संगी का संग वो ज्यादा गड़बड़ी बताया गया है, उसमें ज्यादा गड़बड़ी है। साधु रूप प्रकृत संग होले भगवानेर शक्ति उपलब्धि हबे। जब साधु संग हमें होएगा क्या होगा, तो की संग होगी भगवत भक्त संग्रही
भगवान की शक्ति की जीव तब भी हमारी उपलब्धि होगी। इसलिए बताए ना, तुल्याम लभनापि न स्वर्ग न अपुनर्भव भगवत भक्त संगस्य मर्त्यानाम की मुदा शिष्य। इस श्लोक के ऊपर में हमारे गुरुदेव का एक लेक्चर है, हो सकता है मेरे गुरुदेव का लेक्चर सुनना। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर को टीका को साथ में हमारे गुरुदेव का एक लेक्चर, बहुत बढ़िया लेक्चर है। हाँ, साधु संघ का क्या महत्व है, तब उन्होंने क्यों बताए, एक सेकंड को 11 भाग करो, जो इसका एकवा भाग को एक लव कहते हैं। अगर जीवन में इतना, अगर साधु संघ इतना समय साधु संघ हो, उसका क्या महिमा, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इसमें क्या बताया उन्होंने, हमारे गुरु जी की बहुत एक सुंदर लेक्चर है, बड़ा सुंदर लेक्चर। जरूर वो लेक्चर को खोल करके, हैं, वो लेक्चर को खोल करके जरूर सुनना, उसमें हमारे गुरु जी का बहुत अच्छा लेक्चर है, साधु संघ का क्या प्रभाव है। इसलिए साधु साधु और प्रकृत संघ होले भगवान ने शक्ति उपलब्धि है। जब वास्तव रूप में साधु का हम सचमुच से संग करेंगे, फिर भगवान का शक्ति की उपलब्धि होगा। साधु संग अभाव होले जगत तेरे शक्ति द्वारा प्रसारित हब। जब हम साधु संग का अभाव हो जाएगा, इसलिए प्रभुपाद कहते हैं जीवन में हमारी जब घोर विपत्ति की समय आता है, जीवन में जब हमारी घोर विपत्ति समय आता है, उस समय रक्षा करने वाले हमारे कौन हैं, साधु। उस समय हमें रक्षा करने वाले साधु ही हमें रक्षा करेगा, और कोई हमें रक्षा नहीं कर सकता है। हमारा अहंकार विमुढ़ात्मा हते मुक्त हते पार्वो यदि हरिते प्रपन्न है। अगर भगवान चरण में अगर हम प्रपन्न होते हैं, कत अहंकार विमुढ़ात्मा होते हैं, जीव के अंदर में हर समय अहंकार है ना, विमुढ़ आत्मा है, मूर्ख बन जाते हैं। इसलिए तभी साधु संग से ही हम लोग वहाँ से मुक्ति पा करके भगवान का चरण में शरणागत हो सकते हैं। तद व्यतीत तो आर द्वितीय पंथा नाय, कहते साधु संग को छोड़ करके जगत में और कोई दूसरा उपाय नहीं, भगवान ही पूर्ण वस्तु जीवेर एकमात्र उपास्य वस्तु व आश्रय। केवल भगवान ही हमारी उपास्य वस्तु और आश्रय। तार सेवा लाभ करते हले तार संधान विग्रह गुरुपाद पद में आश्रय करते है वे। कहते भगवान की अगर हम सेवा पाना चाहते हैं, क्या करनी चाहिए, उसको जो संधान दे सकते हैं, उनका जो प्रकाश विग्रह जो गुरु और वैष्णव है, उनका चरण में हमें आश्रय करना पड़ेगा। जब उनका चरण को हम आश्रय करेंगे, फिर उनको बारे में तो फिर वही तो बताएंगे ना उनको बारे में। इसलिए हमारे जो भक्ति हृदय बन महाराज, भक्ति हृदय बन महाराज वो गए, वो साधु कैसे बने जानते हो, वो साधु बने, वो गए हुए थे, अपना पिता बीमारी में पड़े, पिता बीमारी में पड़े, और गए थे पिताजी के लिए दवा लेने के लिए, और वहाँ पर प्रभुपाद हरिकथा बोल रहे थे। वहाँ पर खड़े होकर कथा सुनने लगे, हैं, कथा सुनने लगे। कथा में प्रभुपाद व्याख्या कर रहे थे जो लब्ध्वा सुदुर्लभ विदंग बहु संभवान्ति, कि जो मानव शरीर है, बड़े भाग्य से ये मानव शरीर हमें प्राप्त हुआ है, हैं, बहु संभवान्ति। तो इस श्लोक को व्याख्या कर रहे थे कैसे 84 लक्ष कैसे जीव भटकता है, कितने कष्ट भोग करने का बाद तभी ये मानव शरीर एक बार जीव को मिला है, और ये जीवन बारंबार जीव को नहीं मिलता है। और उन्होंने जो व्याख्या किया तृणम जतेत न पतेत, तृणम मतलब होता है जितने विश्वास कदा रुद्ध भविष्यति। हम कहते हैं ना अभी क्या, थोड़ी सी तो देख ले, फिर तो भजन करेंगे। लेकिन जब उन्होंने ये व्याख्या सुने जितने जल्दी हो निश्वास में, हमने जो निश्वास छोड़ा है, दो बार भी निश्वास ले पाए कहेंगे उसमें कोई गारंटी नहीं। इसलिए कल कर सो आज करो और आज कर सो अब। जब उन्होंने ये श्लोक की व्याख्या सुने ना, वो गए थे पिताजी के लिए दवा लेने के लिए, और फिर घर में वापस नहीं आए,
घर में वापस नहीं आए, पिता बीमारी में पड़े हुए और वहीं से ही साधु बनकर चले गए। हाँ, साधु बनकर गए और इतना तेजस्वी वक्ता, तेजस्वी पूर्ण भक्त बने। जब प्रभुपाद को, प्रभुपाद का अलग अलग स्टैंडर्ड का भक्त लोग थे, प्रभुपाद देखते थे कौन सा स्थिति क्या है, ये स्थिति के अनुरूप हम किसको खड़े करें, उसी अनुरूप व्यक्ति को खड़े करते थे। ये वन महाराज हैं, ये ऐसे थे वन महाराज, भक्ति हृदय वन महाराज। जब ये अंग्रेजी में बोलते थे भाषा, जब बंगला में बोलते थे लगता था ये बंगाली है, जब वो हिंदी में बोलते थे सबको लगता था ये हिंदी भाषी। हाँ, कोई कॉलेज का ओपनिंग हुआ मथुरा में, मथुरा वैसे तो भक्त लोग हैं ना, उन्होंने संतों को बुलाते, इनको उनको बुलाया था भक्ति हृदय बनदेव गोस्वामी महाराज को। उन्होंने जो लेक्चर, उन्होंने अंग्रेजी में जो लेक्चर दिया ना, वो लेक्चर साधारण लोगों का क्या धारणा है, ये सब साधु कौन बनते हैं जिनका पैसा कमाने का कोई उपाय ही नहीं, घर में खाने का था नहीं, सब घर छोड़ करके भाग करके आ गए और मंदिर में सब रह रहे लोग। तो यही बार ना वृंदावन में सब भिक्षा मांगते हैं साधु लोग, लोगों का धारणा यही। उनकी जब अंग्रेजी लेक्चर सुने ना, ओपनिंग हो रहा था ना कॉलेज को, ओपनिंग हुआ था, उनकी अंग्रेजी की जो भक्तिता सुने, बड़े बड़े लोग सुन करके, अच्छे लिखे बड़े थे ना, सुन करके दंग रह रहे थे, ये साधु होकर के क्या अंग्रेजी बोल रहा है। हाँ, हमारे देश में थोड़ा अंग्रेजी बोले ना लोग बढ़िया, भैया सोचते हैं कुछ जानता है, ये कुछ जानता है। हाँ, इतने सुंदर वो अंग्रेजी बोलते थे। प्रभुपाद ने इनको विदेश भेजा था, हैं, इनको विदेश भेजा था प्रचार करने के लिए, इनको उन्होंने विदेश में भेजे थे उनको, इसलिए ये ऐसे इसी अवस्था में उन्होंने साधु बने। प्रभुपाद कहे कि साधु संघ से ही फिर ये मानव शरीर का महत्व तभी पता चलेगा, जगह तभी जीव को भजन के महत्व पता चलता है। इसलिए जीव का सर्वश्रेष्ठ क्या कर्तव्य है, और भी मैंने पूरा पूरी नहीं हुई, इसलिए जीव सर्वश्रेष्ठ भगवान की भक्ति जीवन का सारे कर्तव्य भक्ति है। भक्ति अगर कर लिया तो जीवन में समझे सारे कर्तव्य हमारी पूरी हो गई। ये चीज साधु संघ की, इसलिए बोले कृष्ण रस भाविता मति क्रियता, बोलो उसको बाद में। हाँ, उसके बाद में हाँ, इसका मतलब क्या होता है बोलो। हिंदी बोलो, रेखड़ी हो रहा है, उस तरफ में घुमा लो, हत्या में तुम दीजिए, दोनों बताओ, आप पहले बताओ उसके बाद में बताएगा। इसलिए हमारे हमारे महाराज जी भक्तिवेद नारायण गोस्वामी महाराज, हमारे महाराज जी ये चीज़ को बड़े महत्व देते थे। ये श्लोक है ना, बहुत ये श्लोक महाराज का बहुत बहुत प्रिय श्लोक। हाँ, नहीं ठीक, इसलिए ये श्लोकों का महाराज सबसे ज़्यादा महत्व देते थे। बोले ऐसे इसी श्लोक कृष्ण भावनामृत, कृष्ण भावनामृत है, इसलिए कृष्ण रस। गुरुदेव उदाहरण देते थे, जैसे एक रुई को पानी में डाल दो
जैसे उसका कण कण में पानी समा जाता है, नहीं तो जैसे रसगुल्ला की कण कण में रस, जैसे उसमें कण कण में उसके रस में एकदम भर जाती है। कहते अगर ऐसे कोई भक्त हो जिसका मति कृष्ण रस भाविता मति, मतलब जिनकी कण कण में कृष्ण भक्ति रस जिस कण कण में ऐसे भक्त तो दुर्लभ है, लेकिन उससे ज्यादा दुर्लभ क्या है, अगर राधा रस भाविता मति, अगर राधा जी की प्रेम में जो भक्त उसमें डूबा हुआ हो। क्योंकि हमारे रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं ना, हैं कहते अनाराध्य राधा पदाम भोज रेणु अनाश्रित वृंदावनम तत् अटिबिम असंभाष तद्भाव गंभीर चिताम कुतः श्याम सिंधु रस श्यावगाह। इसलिए कृष्ण भक्ति रस में अगर कोई डूबना चाहते हैं कि तीन वस्तु उसको जरूरत है, एक तो राधा रानी के चरण को द्वारा अंकित सी वृंदावन धाम, और अनाराध्य राधा पदाम भोज अनाश्रित वृंदावनम तत् अटिबिम कहते, और दूसरा चीज क्या जो अंकित वृंदावन धाम, जो इस भक्त जो राधा रानी की प्रेम रस में जो डूबा हुआ भक्त है, राधा रानी के प्रेरक जो डूबा हुआ भक्त है, कहते ऐसे भक्तों का जब तक हम संग नहीं करेंगे, हैं आश्रय ग्रहण नहीं करेंगे, कहते भैया तब तक कृष्ण रस भक्ति हमें प्राप्त नहीं होगा। इसलिए कहते कृष्ण रस भाविता मति बा राधा रस भाविता मति, हैं ऐसे जो भक्त है जिसको में जो डूबा हुआ, ऐसे जो भक्तों का संग अगर भाग्यवश तो कहीं मिल जाए, गुरुदेव कहते अगर सर काट करके भी हो, सर को काट करके अगर लेना पड़े तो सर को काट करके उस संग को खरीदी कर लो, उसके क्रियता उसको खरीदी कर लो। क्यों, कारण है जो भक्ति मिलती है सत्संग प्राप्त पुंभी सुकृत ही पूर्व संचित ही, कहते पूर्व पूर्व जन्म का सुकृत के द्वारा ही हैं क्या होता है, भक्ति में रुचि होती है, भक्ति में रुचि होती है। जब तक सुकृत नहीं होगा भक्ति में तो रुचि होएगी नहीं, लेकिन कोटि सुकृति कहते एक सुकृति नहीं, सुकृति से भगवत भक्ति पे रुचि होता है, बोले करोड़ों करोड़ों सुकृतियों को द्वारा जो वस्तु प्राप्त हो नहीं सकता है। कहते अगर ऐसे भाग्य से अगर हमें कहीं ऐसे भक्त अगर मिल जाए, हैं भक्त अगर कृष्ण रस भाविता मत भक्त मिल जाए, वो संघ का इतना प्रभाव है, इतना प्रभाव है, करोड़ों करोड़ों जन्म का सुकृत से जो वस्तु प्राप्त नहीं होगा वो वस्तु प्राप्त हो जाएगी, वो वस्तु प्राप्त हो जाए। इसलिए जो मेन वस्तु है भक्तों का, ऐसे भक्तों का संग है। इसलिए बोले तुलयाम लबेनापी, हैं बोले तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुला एक अंग, कहते कि तराजू ले लो, तराजू का एक तरफ में तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, स्वर्ग का जो सुख है, स्वर्ग का सुख क्या है, कहते इसी जगत में जो सुख है सौ गुण ज्यादा आनंद स्वर्ग में, स्वर्ग में जो सुख उससे सौ गुण मोह में, मोह में जो सुख उससे सगुण तप में, तप लोक में जो सग आनंद उससे सगुण सत्य लोक में, अब बैठते 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 कहते जो ब्रह्म लोक का जो सुख इसी जगत से लेकर के ब्रह्म लोक तक जो सुख है, ब्रह्म में जो सुख है, भक्ति सुख आगे तो कुछ नहीं, लेकिन ब्रह्म लोक का जो सुख है, कहते ना कोटि ब्रह्मानंद न तार एक बिंदु, करोड़ों ब्रह्मानंद मिला देने पर भी कृष्ण भक्ति रस में जो आनंद एक बूंद के साथ में बराबर नहीं कर सकते हैं। इसलिए तराजू का एक तरफ में सारे आनंद को एकत्रित कर लो और एक लव साधु संघ का फल तराजू का दूसरे तरफ में रख लो, उसका पला भारी पड़ेगा, उसका पला भारी पड़ेगा। विशेष करके इस श्लोक को कहते जीवन में ऐसे भक्तों का संग मिलना बड़ा कठिन है, बड़ा कठिन है। अगर ऐसे भक्तों का संग कर भी जाए ना, बस जीवन जीविका धन्य हो जाता है। क्योंकि गुरुदेव कहते थे ऐसे भक्त अगर कहीं बैठे हुए हो, ऐसे भक्त अगर कथा भी नहीं सुनाते हो, केवल बैठे हुए हो, हैं बैठे हुए हो, कहते उनका शरीर से जो जो दिव्य चिन्मय शक्ति की जो विचरण होता है, बस तभी उसका ठंडाई में, हाँ उसके प्रभाव से वो स्थान पर हो जाती है।
जब हम मेरे गुरु जी भी थे जब भक्तिवर नारायणी गोस्वामी महाराज थे, ये चीज़ को समझो, महाराज है मान भारत में नहीं, अभी महाराज विदेश में प्रचार करने के लिए गए, लेकिन जितने उनके आश्रम हैं केवल उनकी चिंतन से ही आश्रम बढ़िया चलती है, क्योंकि उनको पता कौन है, गुरु जी है। अगर कोई जीवन में दिक्कत आएगी तो गुरु जी उसको सॉल्व तो करेंगे, गुरु जी का आश्रय है। वो गए विदेश में प्रचार करने के लिए, केवल गए प्रचार करने के लिए, विदेश में गए प्रचार करने के लिए केवल वहाँ, लेकिन जब हम उनको केवल चिंतन करते हैं ना, चिंतन से ही गुरुदेव है, अगर कुछ गड़बड़ी करेंगे गुरु जी डांट लगाएंगे, नहीं तो कोई दिक्कत हो गुरु जी के पास में जाएंगे, गुरुदेव उसका समाधान करेंगे। अगर उस समय गुरुदेव रहते समय हाँ कोई गड़बड़ी नहीं, क्यों गुरुदेव अभी है, केवल देखो इसी चिंतन से ही, केवल इसी चिंतन से ही सारी मठ बढ़िया चली जाती है, केवल उनकी चिंतन से ही है। इसलिए शुद्ध भक्तों का चिंतन से ही ये सारी चीज़ सब बढ़िया बढ़िया चलती है। इसलिए कहते जैसे भगवान हाँ कहते उसको उदाहरण देते ना चिंतन के द्वारा, कहते कौन है, कहते ये कछुआ, वो अंडा दे देता है पानी में चले जाता है, वो अंडा को चिंतन करते करते अंडा फूट जाती है अपने आप है। कहते पक्षी क्या करता है, स्पर्श से, पक्षी स्पर्श से क्या करती हैं, वो अंडे को धीरे 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 बच्चा बना देती हैं। मछली दृष्टि से केवल देखती रहती है बच्चों को, उसी से ही बच्चे पल जाते हैं। उसी तरह गुरु वैष्णव भी उसको ऐसे हम लोगों के अंदर में ऐसे शक्ति को संचार करके हमारा भी कल्याण कर देते हैं। इसलिए जो मेन वस्तु है ऐसे भक्तों का संग ही मूल है। गौर ब्रह्मानंद की ठीक बंद कर दो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नितय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल, नितय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, गौर ब्रह्मानंदे हरि। हाँ ठाकुर जी के